अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन जो काफ़ी दिनों से मुझसे पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि जो टैक्सी ड्राइवर कनाडा में है वो कितने पैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि टैक्सी ड्राइवर जो है वो कनाडा में कितने पैसे बना रहे हैं। अगर आप अपनी टैक्सी चला रहे हैं तो आप ऑफकोर्स ज़्यादा मेक कर रहे हैं, और अगर आप किसी की टैक्सी चला रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम पैसे बना रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, अगर आप किसी की टैक्सी फ़र्ज़ करें चला रहे हैं तो आप कितने पैसे बनाएंगे। तो जो टैक्सी ओनर होता है उसको आपने पर डे के हिसाब से आपने उनको पैसे देने होते हैं। अमूमन जो है वो यहाँ पे लोग 12 घंटे टैक्सी चलाते हैं, तो 12 घंटों में आपने जितने पैसे बनाते हैं उसमें से आपने $90 या $100 या $110, ये जो है वो अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट चार्ज करता है, हर कोई को आपने डिफरेंट पे करना होता है। तो ये आप समझ लें कि तकरीबन जो है $100 जो है आपने टैक्सी वाले को चलाना है, वापस करना उसको देने हैं जिसकी टैक्सी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो कितने पैसे कमा सकता है। जो मेरे दोस्त चला रहे हैं उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे पता चला है कि जो अगर आप 12 घंटे टैक्सी चलाते हैं तो आप तकरीबन जो है वो $250 से लेके $300 जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन है, कितने आपको ट्रिप्स मिले हैं, और डिपेंड करता है वीक्स डे हैं या वीकेंड है। तो वीकेंड पे अक्सर जो है वो लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं। तो मुझे जो एवरेज उन्होंने बताई है, उन्होंने यही कहा है कि $200 से लेके $300 तक जो है वो एवरेज वो बनाते हैं, और जो वीकेंड पे वो ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं वीकेंड पे। तो वो जो $100 जो है वो टैक्सी ऑनर का दे कर भी वो वीकेंड पे $200 and $250 भी अर्न कर लेते हैं, और वीक डेज़ में वो यही जो है $150 से लेके $200 तक अर्न करते हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप एक महीने में कम अज़ कम जो है वो $4,000-$5,000 जो है एक टैक्सी ड्राइवर बना सकता है, अगर वो 6 दिन वीक के काम करता है, 12 घंटे टैक्सी चलाता है, तो $4,000 से $5,000 जो है वो बना सकता है। तो टैक्सी ड्राइवर जो की जॉब जो है वो काफ़ी दूसरी जॉब से बेहतर है, क्योंकि बाकी जो और जॉब्स हैं उसमें वो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करते कनाडा में। तो आप जो है वो $1,600-$1,800 तक आप कमाते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर एक ऐसी जॉब है कि आप इसमें बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आपका कनाडा में आकर टैक्सी चलाने का प्रोग्राम है तो ये आपका बहुत अच्छा आपकी सोच है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं कम वक्त में और इजी जॉब करना चाहते हैं तो टैक्सी ड्राइवर की जॉब बहुत अच्छी है, आपको इसी में जाना चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त जो इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, यहाँ पे आके टैक्सी चलाते हैं, क्योंकि टैक्सी की जॉब जो है वो एक तो उसमें इतनी हार्ड वर्क नहीं करनी पड़ती, फिज़िकली आपको इतना उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमारे लोग जो है वो टैक्सी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि दूसरी जो वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज़ में या पिज़्ज़ा स्टोर वगैरह में आपको फिज़िकल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक तो हम यूज़ टू नहीं होते इस काम के। तो इसलिए जो हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो टैक्सी चलाने प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें हार्ड वर्क नहीं होता और दूसरा ये कि इसमें जो है वो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो बस यही है कि यही समझ लें कि एक महीने में आप $4,000 से $5,000 जो है वो टैक्सी चलाकर बना सकते हैं, बाकी जॉब्स में आप इतने पैसे नहीं कमा सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइए अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में प्लीज़ करिए, और आप बताएं कि अगर आपको कोई किसी और टॉपिक पे किसी और चीज़ के बारे में आपने कोई क्वेश्चन करना है कनाडा के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।